नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ISBT से। बस स्टैंड यानी कि ISBT बस स्टैंड से शहर के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए कितना किराया जो है आपको देना होगा। 1 जुलाई को मीठापुर बस स्टैंड को शिफ्ट कर दिया गया। यह बस स्टैंड अब नवनिर्मित पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल में शिफ्ट कर दिया गया है। बस टर्मिनल शिफ्ट होने के बाद बस पकड़ने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अब लोगों को अपने जिले में जाने के लिए बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में जाना पड़ रहा है। मीठापुर बस स्टैंड से बेहतर एवं आधुनिक सुविधा ISBTC में प्रदान की गई है, जो कि यात्रियों एवं बस मालिकों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। आपको बता दें कि मीठापुर बस स्टैंड 8 एकड़ में था, जबकि ISBTC 25 एकड़ में फैला है। 10 एकड़ में भवन का निर्माण कर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई है। करीब 11 एकड़ में बसों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के अलग अलग जगहों के लिए प्रीपेड ऑटो बुकिंग सेवा की भी शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ साथ अलग जगहों पर रिजर्व और शेयर का किराया भी तय कर दिया गया है। लोग बस पकड़ने के लिए बैरिया तो आ रहे हैं, लेकिन आने जाने में उन्हें किराया अधिक देना पड़ रहा है। ऐसे में आइए एक नजर डाल लेते हैं ऑटो के किराए को लेकर। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिटी बस के किराए के बारे में। मीठापुर बैरिया का जो किराया है, मीठापुर से बैरिया ISBTC का जो किराया हुआ है 15 रुपये, तो वहीं पे बैरिया के 0 माइल तक का जो किराया है वो है 5 रुपये। वहीं अगर हम बात कर लें जगहों का, अगर बैरिया से अगर आपको कहीं जाना है पटना के अलग अलग हिस्सों में, तो उसका किराया क्या होगा। तो पटना से अगर आप मीठापुर जाते हैं, जो कि पुराना बस स्टैंड है, वहां पे अगर आप रिजर्व में जाएंगे तो वो 200 रुपये किराया देना होगा। अगर आप शेयर में जाते हैं तो 20 रुपये। वहीं अगर आप पटना जंक्शन जाते हैं तो आपको रिजर्व में जो किराया है वो 200 देना होगा, और अगर आप शेयर में जाते हैं तो आपको 30 रुपये किराया देना होगा। गांधी मैदान तक का सफर अगर आप तय करेंगे, अगर आप रिजर्व में जाते हैं तो 250 रुपये तक का देना होगा। उसके बाद अगर आप शेयर में जाते हैं तो आपको 40 रुपये का किराया देना पड़ सकता है। एयरपोर्ट अगर आप जा रहे हैं, अगर आपने ऑटो बुक करवाया है, तो आपका रिजर्व का किराया जो होगा वो होगा 300 रुपये, और अगर आप शेयर में जाएंगे तो आपको 60 रुपये का किराया देना होगा। एम्स फुलवारी शरीफ में अगर आप रिजर्व में जाते हैं तो 350 रुपये देना होगा, अगर आप शेयर में जाएंगे तो 60 रुपये देना होगा। गायघाट का किराया रिजर्व में 175 रुपये है और शेयर में 20 रुपये का किराया है। महेंद्री अगर आप जाते हैं तो रिजर्व में आपको 200 रुपये देने होंगे और शेयर में आपको 20 रुपये देना होगा। अगर आप गुलजारबाग जाएंगे तो रिजर्व में आपका किराया जो होगा 150 रुपये और शेयर में होगा 20 रुपया। अगर आप अगम कुआं जाते हैं तो यहाँ रिजर्व का किराया 100 रुपये है, अगर आप शेयर में जाएंगे तो 15 रुपये किराया देना होगा। अगर आप गुरुद्वारा जाते हैं तो हाँ, आपको रिजर्व का किराया 175 रुपये और शेयर में जाएंगे तो 25 रुपये किराया देना होगा। अगर आप सिटी चौक, पटना सिटी के इलाके में आता है, अगर आप यहाँ जाएंगे तो रिजर्व में अगर आप जाएंगे तो 150 रुपये किराया है, अगर आप शेयर में जाएंगे तो 20 रुपया है। अगर आप अनिसाबाद जाते हैं तो 200 रुपये आपको रिजर्व में देना होगा और 30 रुपये आपको शेयर में देना होगा। फुलवारी शरीफ का किराया रिजर्व में 250 रुपये है, अगर आप शेयर में जाएंगे तो 40 रुपये देना होगा। दानापुर रेलवे स्टेशन, यहाँ का किराया जो है 350 रुपया रिजर्व में है, अगर आप रिजर्व ऑटो करा के जाते हैं, अगर आप शेयर में जाएंगे तो 50 रुपये देना होगा। अगर आप बोरिंग रोड पानी टंकी के पास जाएंगे तो यहाँ पे जो है रिजर्व का किराया 275 रुपये है, अगर आप शेयर में जाते हैं तो आपको 45 रुपया देना होगा। राजीव नगर पाटलिपुत्रा अगर आप जाते हैं रिजर्व में तो आपको 300 रुपये किराया देना होगा, और अगर आप शेयर में जाएंगे तो 45 रुपये का किराया देना होगा। कुर्जी अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है रिजर्व का किराया 300 रुपये है, अगर आप शेयर में जाते हैं तो 50 रुपये देना होगा। संत माइकल दीघा, अगर आप संत माइकल जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है रिजर्व का किराया 350 रुपये है, अगर आप शेयर में जाएंगे तो 60 रुपये किराया देना होगा। राजा पुल, यहाँ अगर आप जाते हैं तो 275 रुपये आपको रिजर्व में किराया देना होगा, 50 रुपये शेयर में। इनकम टैक्स का जो किराया है उसमें सिर्फ रिजर्व का किराया अभी इंक्लूड किया गया है, तो वो 250 रुपये है। राजेंद्रनगर टर्मिनल अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ रिजर्व में जो है 175 रुपये आपको देना होगा और शेयर में 25 रुपये किराया। कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड, अगर आप कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड जा रहे हैं तो यहाँ 175 रुपये जो है अभी रिजर्व का किराया ही दिखाया गया है। तो यह है पटना के विभिन्न इलाकों में ISBTC नया जो बस स्टैंड बना है वहां का किराया। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।